भिवानी में विपक्ष की नेता किरण चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से पूरे देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनियोजित तथा बिना तैयारी के विमुद्रीकरण का फैसला लेकर देश के सामने आर्थिक आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर ये फैसला लेना ही था तो पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए थी तथा आम जनमानस को भी रुपए बदलवाने के लिए कुछ पर्याप्त समय देना चाहिए था। आज वे अपने निवास स्थान पर सभी व्यापारियों की बैठक कर रही थी। किरण चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने छोटे व्यापारी एवं उद्योगपति जो प्रतिदिन के हिसाब से लेन देन कर अपनी आजीविका चला रहे थे उनको बर्बादी की कगार पर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि इन व्यापारियों के साथ साथ गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार भी मुश्किल में पड़ गए हैं जो अपनी आजीविका के लिए कुछ रुपए जोड़कर अपना घर चला रहे थे। लेबर के पास पैसा नहीं है, वो पलायन कर रहे हैं। इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। मेरे को इंडस्ट्री वाले ये बता रहे थे कि उनके पास काम धंधा है नहीं, लेकिन उनके जो बिजली के बिल हैं वो लगातार चल रहे हैं। जो अनाज मंडी के अंदर जो है किसान जो है उसके पास अपना दाने खरीदने के लिए जो है उसके पास पैसे नहीं रहे हैं, उसके पास खाद खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। जो सब्जी मंडी वाले हैं उनके पास कोई जा नहीं रहा है, बिल्कुल औने पौने दामों के अंदर सब्जी मंडी का वो हो रहा है। तो हर जगह से, हर तरीके से, हर वर्ग का आदमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जिस तरह से ये अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो काम कार्रवाई हुई है, ये आपातकालीन अर्थव्यवस्था की आपातकालीन स्थिति जो है आज जो है ये केंद्र मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर पैदा कर दी है, और इसका नतीजा आप सबके सामने अपना पैसा लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं। अब हम अपना मतलब अपना पैसा, अपना कमाया हुआ पैसा, उसके ऊपर अंकुश लगा दिया कि 10,000 से ज़्यादा जो है आप विड्रॉ नहीं कर सकते आपका कमाया हुआ पैसा, तो कैसे काम चलेगा आने वाले समय के लिए? तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए जो है कल 28 तारीख को सारे के सारे सबको मैंने हाथ जोड़कर अपील करी है कि कल जो है इसका बंद किया जाए। से जो व्यापारी वर्ग को जो नाखुश है, उनके धंधे जो चौपट हो गए हैं, उसको देखते हुए हो सकता है कि कल पूरा व्यापार बंद रहे और देश में जैसे सब आदमियों की एक आवाज़ बन के उठी हुई है, तो दुकानदार भाई लोग अपने व्यापार को बंद रख सकते हैं, क्योंकि उनकी नाराज़गी को सरकार समझ सके और उनके सुविधा के मुताबिक उनके ये जो दुख भरी आवाज़ आज वो समझ सके सरकार। और सरकार ने इस बात के लिए बहुत फेवरेबल कदम उठाना चाहिए व्यापारियों के, आम जनता के जनहित के लिए। ये नहीं समझे कि छोटे छोटे व्यापारियों पे, छोटे छोटे दुकानदारों पे, छोटे छोटे उद्योगपतियों पे ये काला धन है। काला धन तो बहुत बड़े ऊंचे आदमियों के पास है, जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का होता है, वो अपने धन को फिर भी सफ़ेद कर लेंगे। लेकिन छोटा आम व्यापारी, आम दुकानदार, आम उद्योगपति, छोटा बड़ा सब के सब दुखी है। भिवानी से कैमरामैन देवेंद्र सांगवान के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट, आजाद टीवी न्यूज़।